आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इंदु कुमारी। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। जमशेदपुर डिमना चौक के समीप परशुराम कॉलोनी में कई वर्षों से नाली का सारा पानी सड़क पर बह रहा है। 10 से 12 परिवार जो इस कॉलोनी में रहते हैं, समस्या के समाधान के लिए उनके द्वारा पिछले 2-2.5 वर्षों से नगर निगम, विधायक, सांसद समेत कई संबंधित विभाग में शिकायतें की गई। सैकड़ों बार चक्कर लगाए गए, लेकिन इनकी फरियाद किसी ने ना सुनी। हर किसी के द्वारा यही बताया गया कि यह काम हमारा नहीं है। जमशेदपुर से जीतेन के लिए अमिताभ वर्मा। 8 साल से सर ये रोड का पानी आ रहा है। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत लोगों को बोले भी कि भाई यहाँ का कुछ तो उपाय किया जाए। नोटिफाइड एरिया पे गए तो उन लोगों का कहना है कि ये हाईवे में है तो हम लोग से कुछ नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। अच्छा। तो बस तब से झेल रहे हैं। पहले तो 4 साल पहले तो जो स्थिति था कि पीछे में ग्रीन है, क्या बोलते हैं, ग्रीन वाटी का क्या नाम है, डिमना रेसिडेंसी, पूरा वहाँ पानी भर जाता था। वहाँ तो एक साथ बीजेपी का नेता भी रहते हैं ना उधर, वो भी सरजू राय का भगने, भगने का हाँ कोई रिलेशन है उनके, तो उनसे भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं, वो सरजू राय की भगने रहती है। हाँ, और पीछे में शायद एक केस भी हुआ था, ये पानी के वजह से करंट लग करके एक लेडीज लड़की भी मरी थी वहाँ। यही है बस तब से बराबर का समस्या है। खैर हम लोग को तो अब आदत हो गया, लेकिन जो नए लोग आते हैं कोई रिलेशन आना नहीं चाहता। इस तरह का जो बहाव है पानी का, कौन आएगा, कोई ना कोई गिरता ही रहता है हमेशा, किसी का कमर टूटता है, किसी का कुछ होता है, यही प्रॉब्लम है। लगभग 2 साल से चल रही है, 3 साल से, 2-3 साल से चल रहा है। तो इसको, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की है? नोटिफाइड में किए हैं, विधायक जी को बोले हैं। कब बोले हैं ये? ये आपका करीबन 4-5 महीना से लगातार बोला जा रहा है। आज 3 साल से लगातार बोला जा रहा है, 4-5 महीना पहले तक बोला गया था। अच्छा। उन लोगों का कहना है कि नेशनल वाला बनाएगा, नेशनल हाईवे वाला बनाएगा। यहाँ नेशनल हाईवे पे ही जो ठेकेदार हैं वही बनाएंगे? हाँ, वही बनाएंगे। इनकी इसकी साफ सफाई यहाँ? कुछ साफ सफाई नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं, नगर निगम वाला कोई साफ सफाई नहीं करते हैं। इसको लेकर बहुत समस्या है, बीमारी बराबर हो रहा है, घर का बाल बच्चा हमेशा बीमार रहता है, जो भी आता है गिरता है, पानी स्लिप करता है। क्या नाम है आपका? श्यामू शाह। श्यामू शाह। 2 साल से चल रहा है। 2 साल से ऐसे ही? हाँ, पहले रास्ता नहीं था तो रास्ता बना सरकार का तरफ से, उसके बाद ये पानी बहना चालू हो गया है। हाँ, 2 साल से मतलब इस तरह से चल रहा है। तो हाँ, इसको कहीं आप लोग किसी से शिकायत किए? नोटिफाई में तो लिख के दिया है, बोल के बोल रहा है, हमको तो पता नहीं है। अगल बगल में जो है हम लोग रहते हैं तो हमको तो इसका नॉलेज नहीं है, हम यहाँ पे रहते हैं तो बोला नोटिफाइड में दिए हैं, हम लोग भी फॉर्म भर के साइन करके दिए हैं। एक तो शरीर की पीड़ा, उसके ऊपर मानसिक दुख, इंसान करे तो क्या करे। पेट के दर्द से व्याकुल महिला कपाली से 6 से 7 किलोमीटर चलकर अपने इलाज कराने MGM अस्पताल पहुंची। इलाज कराकर जब महिला बाहर निकली तो परिसर से उसकी साइकिल गायब थी। पीड़ित महिला हवा कर रह गई और रोने लगी। महिला ने जिस जगह साइकिल खड़ा किया था वहां लगभग 20 होमगार्ड के जवान मौजूद थे, उसके बावजूद साइकिल की चोरी की गई। इतने अच्छे इंतजाम है सुरक्षा के। GTN से अमिताभ वर्मा के लिए। डाक के गया, पहले इलाज कराने गया, पेट दर्द देता था। हाँ। लेके भाग गया, साइकिल लेके भाग गया। देखा नहीं कौन ले गया, हम अंदर घुसा ना, मेरा कोई नहीं है। अच्छा। मेरा आदमी भी नहीं है यार, आ गया था तो साइकिल। यहाँ गार्ड लोग को बताए थे आप? नहीं, इधर रख के दिया। लॉक नहीं था उसमें? नहीं, लॉक नहीं था, ताला नहीं लगा हुआ था। शंकरी गोराई। शंकरी गोराई, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से आए हैं? तमोलिया से आए। तमोलिया से आए हैं इलाज करवाने? हाँ। कहाँ साइकिल रखे थे? यहीं पर। अच्छा, दूर जाके ला ना, ये इसका साइकिल इधर था, मेरा बीच में था। झारखंड मुक्ति किसान मोर्चा जिला समिति की ओर से पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को किसान कृषि जन समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों की सहूलियत के लिए लैंप्स खोला गया है, इसके बावजूद समस्या जस की तस है। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिताभ वर्मा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे पलटन में जिला सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं और हमारे साथी हैं संगठन के, तो हम लोग आज DC को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरा पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में जैसे प्रत्येक प्रखंड में लैंप्स है,
लैंप्स में जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, जैविक खाद हो गया, औजार हो गया, इस तरह का हमारा मांग है। और जैसे लैंप्स में हम लोग देखते हैं कि सही समय पर ये लोग लैंप्स को नहीं खोलता है, और इसमें जो है जो उनको चीज़ मंगानी है वो पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं डिले करते हैं, जिसके वजह से वो सेंट्रल तक या राज्य तक नहीं जा पाता है और वहाँ पर से सामान नहीं आता है। इसलिए इन लोगों को सही समय पर कोई भी चीज़ जो है किसान का जो भी देना है वो सही रूप से उनको जो है जल्दी से जल्द लिख करके उन लोगों को डिमांड ले करके अपने यहाँ मंगा लेना चाहिए। अच्छा, इसमें और एक बात है, जैसे कि कृषि लोन हो गया, कृषि बीमा हो गया, फसल बीमा होगा, ये सभी जो है ये किसानों के लिए एकदम ज़रूरी है, और इनको हम चाहेंगे कि जो है इनको जल्द से जल्द ये जो भी काम है ना, इनको मतलब किसानों को मुहैया कराया जाए। जैसे अभी जैसे इस एक और शिकायत है, जैसे सर्वर हमेशा जो है डाउन रहता है, जिसके कारण जो है वो जन समस्या बोली या किसानों का समस्या बोली, खतियान या रेंट रसीद कटाना बोलिए या म्यूटेशन करना, इस तरह का काम जो है सर्वर सही नहीं होने के कारण जो है काम कहीं ना कहीं ठप होने जा रहा है और ठप हो रहा है। लोग ब्लॉक में आकर के चक्कर काट दे जाते हैं और पूरा दिन बर्बाद करके वो घर चले जाते हैं, तो ये सब अच्छा होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। और जो बीज आया हुआ है उनको सही समय पर सभी किसानों को एक जो है अनाउंसमेंट करने के माध्यम से हो, सभी किसानों को बुला करके बीज को वितरण कर दिया जाए, जिससे जो है किसान अपना खेती अच्छा तरीके से करे और अपना भरण पोषण जो है सही ढंग से वो कर पाए। आपका नाम? लव कुमार सरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसान मोर्चा अध्यक्ष पूर्वी सिंह। जमशेदपुर स्थित मानव गांधी मैदान के समीप क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के अभिभावकों ने आज स्कूल गेट पर बवाल मचाया। अभिभावकों ने बताया कि राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद स्कूल मैनेजमेंट कोई भी फीस माफ करने को तैयार नहीं, ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊं बच्चों को? क्या करते हैं आप? मैं मेरे फुटपाथ में फेरी लगाता हूं। फुटपाथ पे फेरी की दुकान लगाते हैं? तो स्कूल में ये आप समस्या अपना बताएं। बता दिए हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? पप्पू। अंडेट के चौका थाना अंतर्गत NH 33 पर चौका थाना के समीप रांची की ओर से तीव्र गति से आ रही एक ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। बाइक सवार युवक का नाम अनिल चंद्र महतो बताया जा रहा है। युवक ईचागढ़ थाना अंतर्गत कुंडी गाँव का रहने वाले के रूप में पहचान किया गया। घटना बुधवार 11 बजे की बताई जा रही है। सड़क दुर्घटना की सूचना पर चौका पुलिस व युवा छात्र नेता आकाश महतो पहुंचे घटना स्थल, एवं घायल को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल भेज दिया गया। चांदनी से GDN के लिए कांग्रेस महतो। जमशेदपुर स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी साक्षी के तत्वाधान में नियमित मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और रक्तदान किया। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम जिला के महासचिव विजय सिंह ने रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी दी और इसका महत्व बताया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा। आज 8 जुलाई को ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, क्योंकि 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस है, उसी के कारण प्रत्येक महीने पूरे वर्ष हर 8 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप होता है। पिछले 28 जून को स्वर्गीय KK सिंह जी के पुण्य स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, उसमें काफ़ी लोग बच गए थे, नहीं दे पाए थे, तो आज सप्लीमेंट्री आई कैंप है, वो KK सिंह के पुण्य स्मृति में ही आज रखा गया है और ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और हमें ये बताएंगे आप कि हर माह ये नियमित रूप से आयोजित होते रहे हैं रक्तदान शिविर, हाँ, इसके अलावा भी आपकी क्या भूमिका रही? इसके अलावा भी ब्लड डोनेशन कैंप तो विभिन्न अवसरों पर होता है, जैसे विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून उस दिन होगा, अभी अगले 14 अगस्त को भी होगा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप जो GRD टाटा के पुण्य स्मृति में होगा, उसके बाद 14 जुलाई को स्वर्गीय NK घोष के पुण्य स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप हमारा होगा। उन्हें विभिन्न अवसरों पर 8 के अलावा भी सालों भर हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चलता रहता है, पूरे साल में 25-30 ब्लड डोनेशन कैंप इस प्रांगण में रेड क्रॉस भवन में हम लोग आयोजित करते हैं।
यदि किसी गरीब या ज़रूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता होती है तो वैसी स्थिति में आपका क्या रोल सिंह है? मैं पहले भी 35 बार दे चुका हूँ। तो आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तैयार रहती हैं? हमेशा तैयार जी। आप यहीं जमशेदपुर के हैं? जी, मैं जमशेदपुर के रहने वाला हूँ। सरदार जी, आप अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे हमें कि आज ब्लड डोनेश करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? डोनर सिंह है, मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। आज मैट्रिक की परीक्षा फल इंटरनेट में देने के बाद छात्रों में अपने परीक्षा फल जानने की काफी उत्साह देखी गई। वहीं राजनगर प्रखंड क्षेत्र में खैरबनी गांव के बाबूलाल प्रधान का बेटा सहदेव प्रधान राजनगर प्रखंड में सेकंड टॉपर के रूप में उभर कर आया। यह बालक 91.40% और टोटल 457 मार्क्स लाकर प्रखंड के सेकंड टॉपर बनकर प्रखंड और कोट बंधु उच्च विद्यालय हमंदा का भी नाम रोशन किया। वहीं उनके पिता बाबूलाल प्रधान जो एक गरीब किसान है, बेटे के रिजल्ट जानने के बाद पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। राजनगर से दीपक महतबी। वो जो भी घर में पढ़ नहीं सकता ना, ठीक है, उसका तबीयत खराब था, क्या करें, तबीयत खराब था, तबीयत के चलते वो ठीक से लिख नहीं पाए और अब थोड़ा बहुत भी नंबर ला सकता था, बच्चा पढ़ता था, क्या करें, क्या मतलब बुखार अगर हो गया। अच्छा, आगे इनके लिए आप क्या सोचे हैं, क्या कराना चाहते हैं? आएंगे जो कॉलेज में। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बोलता है कि हाँ देश के लिए जाना चाहता देश है क्या? के लिए जाना। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए, देश के लिए सोचा है, कम से कम देश का रक्षा करेंगे। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबूलाल प्रधान। बाबूलाल प्रधान, ख्वाहिश है कि आर्मी बनने का, तो उसका जो ख्वाहिश है वो कर भी सकता तो ठीक ही है। अच्छा, देश का रक्षा के लिए जाएंगे? देश का रक्षा के लिए। इंडियन आर्मी? नहीं। हाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आनंद मनी। बहुत मेहनत किया इस मुकाम को पाने के लिए, सेकंड पोजीशन पे आया। अच्छा लगा सुन के कि 91% लाया है। और बचपन से ही हम ही पढ़ाते थे उसको ट्यूशन, और जब सिचुएशन थोड़ा उसको पढ़ाने के लिए हम फिर बाद में जब 10th क्लास हो गया ना, तो फिर उसको हम सामने एक कोचिंग सर थे उनके पास भेज दिए 10th क्लास के लिए, फिर वो पढ़ा, फिर अच्छा नंबर आया। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? संगीता प्रधान। झारखंड बोर्ड 2020 के परीक्षा फल आने के बाद राजनगर प्रखंड क्षेत्र में कमरिया पंचायत के नौका गांव के रहने वाले श्री फाल्गुनी प्रधान की बेटी शिल्पी प्रधान ने 93.4% लाकर राजनगर प्रखंड में अपना पहला स्थान दर्ज किया। शिल्पी प्रधान प्लस टू हाई स्कूल राजनगर की छात्रा है, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षाएं कुल 467 अंक लाकर राजनगर प्रखंड क्षेत्र में टॉप किया। शिल्पा प्रधान इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने सभी शिक्षकों को दी है। शिल्पा प्रधान बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। उनके पिता भावुक होते कहे, बेटी के डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करने पूरा प्रयास करेंगे। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो। शिल्पा प्रधान, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? SS प्लस टू हाई स्कूल। आपको जानकारी है कि अभी आज जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है उसमें आपको क्या परसेंटेज मिला है और क्या मार्क्स आया है? हाँ, मुझे 93.4% मिले मार्क्स, मतलब 467 टोटल मार्क्स है। कहने का मतलब आप अभी प्रखंड में टॉप में आई हूँ, तो कैसा लग रहा है आपको, महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा लग रहा है। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा, ट्यूशन टीचर, मेरे सारे स्कूल के टीचर्स और भगवान को। आगे भविष्य में क्या करने की इच्छा है आपकी? हमको डॉक्टर बनना है। ये बच्ची कुछ अच्छा करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा जीवन जो है बहुत गरीब से, आज जो मैं यहाँ पर हूँ, मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, इसीलिए खुशी से गदगद हूँ। आगे आपकी बेटी जैसे कही कि डॉक्टर बनना चाहती है, तो आपका कितना उसमें सहयोग रहेगा? मेरा
100% सही हो जाएगा उसका। आप क्या चाहते हैं अपने बेटे आगे भविष्य के लिए? डॉक्टर बने और गरीबों का सेवा करे। क्या नाम हुआ आपका? फाल्गुनी प्रधान। राजनगर साप्ताहिक हाट बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन को सूचना मिलते ही हाट बाजार पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा गया। बताया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण जिले के लगभग सभी हाट बाजार बंद है। वहीं राजनगर में साप्ताहिक लगने से अनेक व्यापारी अपने अपने दुकान हाट बाजार में पहुंचे, जिस कारण देखते ही देखते बाजार में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं प्रशासन को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वैसे ही थाना प्रभारी शंभू शरण दास के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने हाट बाजार में लगी भीड़ को खदेड़ा और खाली कराया। वहीं साप्ताहिक हाट में इस तरह की भीड़ को देखते हुए कुछ राजनीतिक दल के नेताओं ने भी जिला प्रशासन से कोरोना महामारी से निपटने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए साप्ताहिक को बंद करवाने की मांग की है। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि बढ़ते महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार को भी उड़ीसा के तर्ज पर लॉकडाउन करने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी इससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दुकान केवल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलने की अनुमति मिलनी चाहिए। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। का पालन करना चाहिए और जो बाहर से जो भी आ रहा है, जमशेदपुर से या कोई बाहर का आदमी है, उसको दुकान नहीं लगाना देना चाहिए। जो लोकल आदमी है उसी को रहना चाहिए। 6 मैंने सुबह 8 बजे से 2 बजे तक इसको मैंने बाजार लगना चाहिए। है मतलब इस तरह का आज का जो ये है कोरोना का जो आपका महामारी जो चला हुआ है ना, इसमें हाथ को नहीं लगना चाहिए। और आपका इसमें क्या बोलेंगे, आपका गुदड़ी जो उसको हाट को बंद होना चाहिए। लेकिन अगर बंद नहीं भी होता है तो आपका डिस्टेंस जो आपका है जो है सोशल डिस्टेंस जो है उसमें आपको पब्लिक को। हाँ अच्छा, ये एक चीज बताइए, इस बार जिस तरह हाट में जितना भीड़ लगा था, नहीं हाट तो बंद नहीं होना चाहिए है ना, लेकिन आपका सोशल डिस्टेंस जो है आपको जो मार्केट जो आपको जो बाजार जो करेंगे है ना, आपको दूर दूर का आपको मास्क पहन के आपको आना है, आपको बाजार करना है ना, आपको जो भी सब्जी वब्जी जो बेचते हैं आपको उस तरह आपको करना है। तो थोड़ा सा आपको सोशल डिस्टेंस जो है आपको आपको उसको ये करना चाहिए, उसको नियम का जो पालन जो आपको है उसको आपको करना है। भाजपा सरायकेला खरसावा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। सरायकेला विधानसभा के मीडिया प्रभारी श्याम सुंदर को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन और भी मजबूत होगी। मैं श्याम चंद्र गोप, भाजपा सरायकेला विधानसभा के सब मीडिया प्रभारी आदरणीय विजय कुमार महतो जी को नवनियुक्त अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रदेश के पदाधिकारी तथा केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं जो एक जमीनी कार्यकर्ता को एक इतने ऊंचे पद में दिया। एक किसान का बेटा आज जिलाध्यक्ष बना, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः विजय महतो जी को बहुत बहुत बधाई और आशा है आपके नेतृत्व में पूरा सरायकेला विधानसभा सरायकेला खरसावां जिला एक संगठन के तौर पर आगे बहुत ही बृहद और शक्तिशाली बनेगा। धन्यवाद। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में नई प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। इस मनोनीत नए कमेटी में भाजपा जमशेदपुर महानगर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी, झारखंड प्रदेश मंत्री श्रीमती सीता मिश्रा जी, झारखंड प्रदेश प्रवक्ता श्री कुणाल सारंगी, पांच जिला के संगठन प्रभारी श्री अभय सिंह जी, पूर्वी सिंहभूम जिला के संगठन प्रभारी श्री नंद जी प्रसाद जी एवं अभिभावक मार्गदर्शक कोटका विधानसभा के पूर्व विधायिका श्रीमती मेनका सरदार जी, सुंदरनगर स्थित शिव शक्ति मंदिर में सभी ने पूजन अर्चना किया। इसके पश्चात भाजपा सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष अनमोल वर्मा ने पुष्प गुच्छ एवं सार उड़ाकर मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारियों के साथ गर्व जोशी से मिलाओ नियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन। साथ ही उद्यमी समाज सेवी अरुण बाकरेवाल को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। मौके पर विशेष रूप से भाजपा जिला महामंत्री अनिल मोदी, भड़ागोड़ा जिला पार्षद अर्जुन कुर्ती, जिला पार्षद सुदीप्तो देराना, समाज सेवी अरुण बाकरेवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनमोल वर्मा, जुगसराय मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोशी, पिंटू चाकिया, चंपई माडी, मंडल उपाध्यक्ष अमरजीत प्रसाद, वरिष्ठ नेता मुरली बरनवाल, सोशल मीडिया प्रभारी संजीव राय, महिला मोर्चा के अध्यक्ष किरण कौर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष वज्र किशोर, वार्ड सदस्य उषा शर्मा, सुभाष सिंह, संजय सिंह, नीला देवी, युधिष्ठिर गोप एवं मंडल के सभी पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष एवं सैकड़ों युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जमशेदपुर से जीजन के लिए अफरोज मल्लिक। इच्छागढ़ अंतर्गत नीमडी के बीहर से निकला एक प्रतिभा जो झारखंड राज्य के अंतिम छोर नीमडी प्रखंड के बीहर जंगल में बसा हुआ गांव चतरमा के काशीनाथ सिंह सरदार व माता स्वर्गीय स्नेहराता सिंह सरदार के पुत्र सोमन सिंह
सरदार मैट्रिक परीक्षा 2020 में 474 नंबर लाकर जिला टॉपर बना। स्वामी नारायण राय सूर्य देवी विद्या मंदिर चांदिल से मैट्रिक परीक्षा दी। स्वामी ने कहा कि आगे डॉक्टर की पढ़ाई कर समाज सेवा करना चाहते हुए अपनी सफलता के श्रेय अपने शिक्षक पिता और परिजनों को दिया। छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि लगन और परिश्रम से कोई विद्यार्थी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसकी बड़ी बहन राजबाला से सरदार बीसा मैट्रिक की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। सुमन के 5 वर्ष की उम्र में उसकी माँ स्नेहलता का देहांत हो गया था। दूसरी माँ जोबा वाला सिंह ने सुमन का पालन पोषण किया। उसके पिता प्राथमिक विद्यालय बुरडी में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आजसू नेता हरिलाल महतो ने सुमन को दी बधाई एवं सम्मानित करने की बात कही। इच्छागढ़ से अरुण कुमार माझी। 8 घंटा पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जोर देते थे, SST, इंग्लिश, साइंस और मैथ। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, गरीब लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। मेरे सभी गुरुजनों, मेरा नाम सोमेन सिंह सरदार है। मैं NSSBM विद्या मंदिर में पढ़ता था। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जरूरत। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पोटका प्रखंड के अंचल अधिकारी बालेश्वर राम एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार द्वारा हल्दी पोखर बाजार में कपड़े जूते की दुकान को बंद करने का आदेश दिया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हाथा चौक में कपड़े और जूते की दुकान को बंद करने की अपील की गई है। पोटका से GTN के लिए मोहम्मद गुलाम नबी आवाजात की रिपोर्ट।